गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी का रनवे चैनल पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं हूं राहुल। आज हम लोग मई माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस ऐप का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है और मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना है और मजदूरों का डेटा कलेक्ट कर भविष्य में उन्हें कोरोना के हिसाब से नौकरी और आजीविका प्रदान करना है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? यह मंजूरी दी है AIIB ने। AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को और इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में और इसके अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। यह उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क है जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर को जाती है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तुमान रखने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान की वर्तमान में मुद्रा है रियाल लेकिन अब इसे बदलकर कर दिया जाएगा तुमान और ईरान की राजधानी है तेहराइन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 9 मई को। इस दिवस का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। अच्छा दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। तो जरूर याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी और जहां UN का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA। हाल ही में गणित में दिया गया 2020 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है हिलेल फर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस ने, यानी कि ये दोनों ने ही जीता है। अब बात करें हिलेल फर्स्टेनबर्ग की, ये है USA के और ग्रेगरी मार्गुलिस है इजराइल की। एबल पुरस्कार को मैथ का नोबेल भी कहा जाता है। कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के CM हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोशियारी। और फ्रेंड, अगर हम महाराष्ट्र की एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मुंबई 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। और एक और ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जरूर याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी मुंबई में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। तो ये रहे मुंबई से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने पान मसालों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? यह प्रतिबंध लगाया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। कोरोना वायरस के चलते यह प्रतिबंध लगाया गया। दोस्तों किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन। वाकई ये गुड न्यूज है फ्रेंड हमारे लिए। किस देश ने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है अमेरिका ने। कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका की नियामक संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। यदि बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की राजधानी है Washington DC, यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है NASA जिसका मुख्यालय है Washington DC में और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस।
यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।